नारायण भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। आप सभी को वैकुंठ एकादशी एवं जिसको हम मोक्षदायी एकादशी भी कहते हैं एवं गीता जयंती की हार्दिक हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। और आज इसी निमित्त पर गीता जी का सार है कि भगवान की भक्ति करना बाकी सब व्यर्थ है, भक्ति करना जिसका हम निष्कर्ष पे कैसे आए हैं गीता जी को पढ़ के, जिसके अंत में चर्चा करेंगे। लेकिन उसी भक्ति को प्रबल बनाने के लिए, सुलभ और सरल बनाने के लिए एक मार्ग जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है या जो हमारे कथाकारों ने और महर्षियों ने ऋषियों ने कहा है कि नाम स्मरण, नाम जप और नाम का लेख, ये जो है बहुत ही सरल मार्ग है। और इसी विषय में आज हम 111 राम राम की जो वही होती है जिसके लिए जिसके ऊपर हम राम राम लिखते हैं, तो उनका हम आज विमोचन करते हैं। और एक राम राम की वही है, तो आप भी राम राम लिखें और अपना जीवन सरल संपन्न और भगवत धाम की ओर बढ़ाएं। गीता जयंती एवं मोक्षदायी और वैकुंठ एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। गीता जयंती का क्यों महत्व है, आज इसको वैकुंठ एकादशी क्यों कहा गया है, इस बारे में हम जानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता जो श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में अपने श्री मुखारविंद से कही है, वो क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है, उसका क्या एप्लीकेशन है, इसको आज हम संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे गीता जयंती के निमित्त पर। हम सभी को पता है कि महाभारत की कथा में अर्जुन अपने कर्म से अपने कर्मयोग से थोड़ा भटक गए थे और उसी जगह पर श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में उनको दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जा करके श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया जो अत्यंत दुर्लभ है। इसका इस बात को श्री कृष्ण भगवान भगवद गीता जी में बार बार कहे हैं। उन्होंने कहा है कि श्रीमद् भगवद गीता का ये जो ज्ञान विज्ञान तत्व ज्ञान अनेक अध्याय के हिसाब से उसका विभाजन है, 18 अध्याय जो हमको पता है, तो उसका ज्ञान, ये जो ज्ञान है वह एकदम ही दुर्लभ है और वह भगवान किसी श्रेष्ठ भक्त पर प्रसन्न होकर उस ज्ञान को प्रकट करते हैं। और अर्जुन इन महारथी भरत वंश में श्रेष्ठ, भारत में श्रेष्ठ इस योद्धा के परम भागवत योद्धा और भगवान के परम भक्त की वजह से हमको इस दुर्लभ ज्ञान को सुलभता से सुनने को मिला और हमको इसको जान करके अपने जीवन को सुंदर बनाने का और ये जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमको ये सुलभ हुआ, इसके लिए हम अर्जुन के बहुत बहुत आभारी हैं। और श्री विष्णु भगवान के रूप में कृष्ण भगवान ने इसको हमारे लिए अवेलेबल करवाया, मैंने इसको सुलभ बनवाया, तो उनको भी हम प्रणाम करते हैं। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल है ये क्यों महत्वपूर्ण है, कौन श्रीमद् भगवद गीता जी हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। आप सभी को एक उदाहरण देकर के मैं इस बात को बतलाने की कोशिश करता हूं कि जब भी हम कोई नई वस्तु घर में लेकर के आते हैं तो उसके साथ उसकी एक पुस्तिका आती है जिसको अंग्रेजी में यूजर्स मैनुअल कहते हैं। माने आप वॉशिंग मशीन लाओ, फ्रिज लाओ, ओवन लाओ, कुछ भी लाओ, उसके साथ मोबाइल फोन लाओ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु लाओ, तो उसके साथ में एक यूजर्स मैनुअल आता है। तो ये जो यूजर्स मैनुअल है ये क्यों होता है, ये इस बारे में होता है कि हम उस मशीन का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, उसमें क्या क्या प्रकार है, या उसमें उसको हम किस प्रकार से सर्वोत्तम उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर विचार करने की बात है कि इस भू धरती पर जो सबसे सोफिस्टिकेटेड मशीन है, जिसको हम माने एकदम सोफिस्टिकेटेड मतलब एकदम रचनात्मक तरीके से, एकदम जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही मतलब ऐसा सरल नहीं है, जो सरल नहीं है, ऐसा ये मानव शरीर है। विचार करिए, हम कुछ भी ठूसते हैं फिर भी शरीर चलता रहता है, हम सोते हैं, हम जागते हैं, हर चीज का एक रिदम है, इसको हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं मेडिकल भाषा में। ये सब कुछ एकदम सहजता से होते रहता है, हम श्वास ले रहे हैं लेकिन हर क्षण हम उसको अनुभव नहीं कर रहे हैं। हम जब योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ही हम श्वास को अनुभव करते हैं, फिर भी हम प्राणवायु ले जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़े जा रहे हैं, ये सब। और हमको न पता चले इस प्रकार से कि दिन दिन भर हमारे जीवन भर हमारे हृदय के ठोके चलते रहते हैं। विचार करने की बात है कि इतनी सोफिस्टिकेटेड मशीन इतनी सहजता से चल रही है, उसको आप विचार करिए कि आपको कितना, आपको जैसे कार को आपको मैकेनिक की दुकान पे गैराज में रखना पड़ता है, हम कितना मेंटेनेंस देते हैं खुद को, खाना पीना सोना और आराम करना, बस इसके अलावा कुछ मेंटेनेंस नहीं है। तो इतना सोफिस्टिकेटेड मशीन को चलाने का कोई यूजर्स मैनुअल तो होना चाहिए, और इसी यूजर मैनुअल को हमारे शास्त्रों में
और वेदों में पुराणों में इनके बारे में कहा गया है कि मनुष्य को कैसा जीना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, क्या धर्म कर्म करना चाहिए, मनुष्य प्रकृति कैसे बनी है। भगवान के श्री मुखारविंद से चारों वेदों का प्रकटीकरण हुआ है, तो उन्होंने उसमें हमको बताया है। लेकिन वेदों का पठन, वेदों का अभ्यास सभी के लिए सुलभ न हो। वेद बहुत सारे हैं, माने चार वेद हैं लेकिन उनमें श्लोक बहुत सारे हैं। तो इस हेतु से भगवान ने इस सभी का सार श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा है, जो एकदम सुलभ हमको महारथी अर्जुन के कारण हो गया है। इसीलिए इसको संक्षिप्त में बताया जाए तो ये मनुष्य जीवनी के लिए एक यूजर्स मैनुअल है, एक यूजर्स मैनुअल है। फिर कोई बोले ऐसा कैसा है, क्या है, तो इसको हम पढ़ के उसमें से जानकारी ले करके फिर हम खुद को अनुभव कर सकते हैं कि भाई ये कितना है, कितना नहीं है, क्या बात है, क्या बात नहीं है, क्या उसमें से संभव है, हमारे योग्य है, करने योग्य है। तो लोग गीता जी पढ़ते तो है नियम से लेकिन कुछ सुनते नहीं। वो कहते हैं ना, हम भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। तो इसीलिए इसका रोज पारायण और उसका जीवन में आचरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। अभी लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, हताश हो जाते, उदास हो जाते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं आई गॉट डिजेक्टेड, आई गॉट सप्रेस्ड, आई गॉट डिप्रेस्ड। फिर लोगों को नाना प्रकार के विचार आते हैं कि वो आत्मदाह कर ले, आत्महत्या कर ले, या जो भी आसुरी प्रकार की वृत्ति है, जो गलत काम करने की। लोग बोलते हैं हम तो दिन में 100 झूठ बोलते हैं इसीलिए हमारा दिन चलता है। यह बात सत्य बिल्कुल भी नहीं है। आप दिन में 100 झूठ बोलते हैं लेकिन उसके साथ एक सच बात बोलते हैं, सच का पावर इतना है कि सच की उस एक सच की वजह से आपका दिन इतना सुंदरमय होता है। लेकिन लोग भ्रम में रहते हैं, अज्ञान में रहते हैं, अंधकार में रहते हैं, और इसीलिए फिर उनकी गति बिगड़ जाती है, या उनके काम बिगड़ जाते हैं, या फिर उनको फिर बाद में डिप्रेशन आ जाता है। तो ये सब क्यों, डिप्रेशन की बात क्यों? क्योंकि अगर हमको कोई चीज का पर्पस पता हो, जैसे अभी हमको खाना खाना है, ठीक है, तो खाना खाने का पर्पस क्या है, खाना खाने की वजह क्या है, भूख। लेकिन हम जब भूख नहीं है तब खाते हैं तो क्या होता है, सिस्टम तकलीफ देता है, जवाब देना शुरू हो जाता है, इनडाइजेशन होता है, अपचन होता है, और एसिडिटी होती है, और जठराग्नि मंद पड़ जाती है, और नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं। कहने का यह मतलब है, यह तात्पर्य है कि जब हम उसके उद्देश्य से भटक जाते हैं तो उस कार्य की दुर्गति होती है। जैसे खाने का उद्देश्य भूख है लेकिन हम भूख के अलावा जब भी भक्षण करते हैं, जब भी खाते हैं, हमारे सिस्टम की दुर्गति होती है, हमको नाना प्रकार के विकारों का भोग करना पड़ता है। उसी प्रकार जीवन का उद्देश्य हम जब नहीं जानते हैं, क्यों, क्योंकि हमने कभी यूजर्स मैनुअल पढ़ा ही नहीं। हम अगर यूजर्स मैनुअल को पढ़ेंगे नहीं तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि इस सोफिस्टिकेटेड सिस्टम का प्रयोग कैसे करना है, इसका उपयोग कैसा करना है, इसका प्रयोजन क्या है, इसको भगवान ने क्यों बनाया है। आप विचार करिए, हम सभी लोग 8-8, 10-10 घंटा सोते हैं, दिन में 10-10 बार खाते हैं, और मन मूत्र आदि सब क्रियाएं करते हैं, और भगवत नाम संकीर्तन तो लोग करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कभी यूजर्स मैनुअल श्रीमद् भगवत गीता जी को पढ़ा ही नहीं है। शायद यूजर्स मैनुअल ये शब्द भगवत गीता जी के लिए उपयुक्त ना हो, लेकिन मेरी अज्ञानता के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन लोगों को सरल भाषा में एनालॉजी, माने उसका जो उसका उदाहरण देके समझाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। अगर या क्योंकि अंग्रेजी की बात यह है कि उसमें ज्यादा शब्द है नहीं, तो जो है उनसे काम चलाना पड़ता है, और लोग आजकल खाली अंग्रेजी में डूबे जा रहे हैं, तो उनको समझाने के लिए भी उन शब्दों का प्रयोग करना थोड़ा अनिवार्य हो जाता है। तो इसको कृपया आप समझ लें। तो हमको यूजर्स मैनुअल हमने कभी पढ़ाई नहीं, इसलिए हमको पर्पज ऑफ लाइफ पता नहीं है, जीवन का उद्देश्य पता नहीं है, इसीलिए हम नाना प्रकार के गलत रस्तों पर चलते हैं, और इसीलिए फिर हमारी दुर्दशा हो जाती है। यह बात एकदम विचार करनी है। फिर अब यूजर्स मैनुअल की शुरुआत करते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से दोनों सेनाओं के, अनेक अक्षौणी सेनाओं के बीच में रथ को ले जाकर के अर्जुन महारथी को यह बताया है कि भगवान क्या है, भगवान की क्या रूप है। 18 अध्याय में आप देखते हैं अनेक अनेक नाम है, जैसे भक्ति योग अध्याय है, पुरुषोत्तम योग अध्याय है, ज्ञान विज्ञान योग अध्याय है, ऐसे नाना प्रकार के 18 टोटल अध्याय है। तो उस अध्याय का हेडलाइन जो है, भगवान ने शीर्षक जो दिया है, उस विषय के बारे में चर्चा किया है, चर्चा की गई है भगवान के द्वारा। तो उसको हम संक्षिप्त में जानने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद में हम उसको एक एक सीरीज करेंगे 18 वीडियो का, जिसमें हर एक अध्याय का हम विस्तृत भाव से हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी भगवान ने यह कहा है कि जीवन का, मनुष्य जीवन का एकमेव लक्ष्य, एकमेव कार्य, एकमेव उसका जो टारगेट है, वो है भगवत प्राप्ति। अभी भगवत प्राप्ति क्यों, जो लोग शास्त्रों का थोड़ी बात उनकी उसके बारे में जानते हैं, जिन्होंने भगवत भागवत अध्ययन किया है या अथवा सुना है, तो उनको ध्यान में आएगा कि
हम श्रीमद् भागवत जो कथा होती है सात दिवसीय, जो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को कही थी, उसको हम मोक्षदायी कहते हैं। जैसे आज की एकादशी वैकुंठ एकादशी मोक्षदायी एकादशी, माने जो करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके अनेक नियम भी हैं, लेकिन एक हमारे समझ के लिए ऐसा है। तो ये मोक्ष माने क्या, मोक्ष माने क्या, हम हमारी गति उत्तम हो, मतलब हम इस जन्म और मृत्यु के जो बंधन, जो इसका बंधन है, इससे हम मुक्त हो। इससे मुक्त क्यों होना है? इससे मुक्त इसलिए होना है क्योंकि मनुष्य जीवन में हम सभी को अनुभव आता है कि हमको कुछ कुछ घटनाओं से सुख होता है और कुछ कुछ घटनाओं से दुख होता है। तो क्या दुख किसी का चॉइस हो सकता है? क्या दुख किसी को कोई जानबूझ करके बोलेगा कि हाँ मेरे को दुख होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेगा। कुछ बहुत पहुंचे हुए भगत हैं, भगवान के, भगवान में भक्ति, भगवान की भक्ति में एक रूप हुए, जैसे मीराबाई हैं, जैसे अनेक अनेक संत हैं जो भक्तवान में कहे गए हैं, या द्रौपदी ने, इन्होंने भगवान से क्या मांगा? बोले हमको दुख दो। क्यों? क्योंकि दुख में भगवान याद आता है, दुख में हमको भगवान याद आता है। और आपने सुना होगा वो भजन कि सुख में सुमिरन कोई नहीं करता, दुख में रटे तमाम, हरि तेरा अजब निराला काम, हरि तेरा अजब निराला नाम। तो वैसा ही है, जब हमको अच्छा लगता है तो हमको भगवान याद नहीं आते, और जब हमको बुरा हो गया तो फिर हमको भगवान याद आता है। और इसीलिए, या हमको कुछ अपेक्षा है, आसक्ति है, कोई चीज की कामना है, तो हमको भगवान याद आता है। भगवान को ये सब प्रकार पता है, इसीलिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में अपने चार प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है, जिसका हम चर्चा, जिसकी हम थोड़ी सी आगे करेंगे। उसके पहले हम जो हम बात कर रहे थे कि भगवत प्राप्ति माने आत्मा का परमात्मा से मिलन, मतलब ही महासमाधि। अनेक अनेक पंथों में, अनेक अनेक ग्रंथों में, अनेक अनेक शास्त्रों में, शायद अलग अलग पद्धतियां या अलग अलग पद्धतियों के अनुसार अलग अलग नाम है, लेकिन सबका एक ही मतलब है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो, महासमाधि हो, या भगवत प्राप्ति हो, या इस 84 लाख योनि में से मनुष्य जीवन पा करके मृत्यु और जन्म इससे मुक्त होने का कार्य हो, या सभी का, या परमानंद की प्राप्ति हो, परमात्मा का, परमात्मा की प्राप्ति हो, इन सभी का एक ही मतलब है कि मुक्ति। मुक्ति मतलब क्या? मुक्त होना। किस चीज से मुक्त होना? ये मृत्यु और जन्म से, इस जो बंधन है इससे मुक्त होना। क्यों मुक्त होना? क्योंकि हमको दुख सुख सहन नहीं करना, हमको परम आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। परम आनंद मतलब क्या? परम आनंद, परम मतलब सबसे ऊपर, और आनंद मतलब क्या? आनंद मतलब क्या? एक आनंद, हैप्पीनेस इज अ स्टेट। लोग बोलते हैं मेरे को खुशी हुई, खुशी हुई, मैं किसी के घर में बच्चा हुआ उसको खुशी हुई, किसी की शादी हुई तो उसको खुशी हुई, किसी को, किसी का बिजनेस बढ़ा तो उसको खुशी हुई, कुछ कुछ लोगों को दूसरे का बुरा हुआ तो भी खुशी होती। तो ये खुशी किसी चीज के ऊपर, किसी घटना के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी घटना के ऊपर उसका अवलंब है। लेकिन विचार करिए, हम तो सजीव हैं, हम तो सजीव हैं, फिर निर्जीव घटनाओं से, निर्जीव चीजों से अगर हमको खुशी होती है तो हम उनके दास हुए, बराबर है, हम उनके दास हुए। फिर विचार करिए कि क्या आपको दासत्व स्वीकार है? वो भी सजीव को निर्जीव का दासत्व स्वीकार है? नहीं। और हमको इस दुख सुख के बंधन में से मुक्त होना है और परम आनंद को प्राप्त होना है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। फिर आप बोलेंगे खाना पीना सोना घर चलाना धंधा चलाना घर को परिवार को आगे करना, ये कैसा? कोई मना ही नहीं है, भगवान ने थोड़ी बोला है कि आप संसार मत करो, आप घर मत करो, आप अपना काम धंधा मत करो। लेकिन जितना हमको आवश्यक है उतना हम स्वतः के लिए करें, और बाकी सब हम निस्वार्थ भाव से कर्मयोग करें, जो हम चार भगवान को प्राप्त करने के मार्ग है उसमें हम चर्चा करें। यह जीवन का सार है। तो यह जीवन का सार है, तो आपको एक ही वाक्य में क्या समझना है, जो इतना सब बताया, इसका एक ही मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है इसका, कि हमारे मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, पर्पस ऑफ लाइफ है, वो परम आनंद को प्राप्त होना है, परमात्मा को प्राप्त होना है। अभी भी आप बोलेंगे परमात्मा किधर है, दिखता नहीं है, बोलेंगे ना लोग, बोलते भगवान कहाँ है, ठीक है, तो इसका भी हम उत्तर देते हैं। अभी ये क्यों जरूरी, हम मनुष्य को ही क्यों ऐसा बोला है? अभी हमको भी दो हाथ दो पैर हैं, जानवर को भी, अच्छे बंदर को भी दो हाथ दो पैर हैं। जो लोग इवोल्यूशन की थ्योरी का प्रमाण देते हैं वो तो क्या कहेंगे कि हम बंदर से मनुष्य बने, चिंपांजी से मनुष्य बने, उसको भी दो हाथ है दो पैर है, फिर उसको ये सब लागू क्यों नहीं होता है, पूछोगे ना? तो उसको ये इसलिए लागू नहीं होता है क्योंकि भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा है कि अन्य, अभी शास्त्रों में हमारे कहा है 84 लाख योनि का एक साइकिल हमारा होता है, और जो आखिरी आखिरी जन्म है, 84 लाखवा जो जन्म है, वो जो है वो मनुष्य जीवन का है, ठीक है। तो इसके पहले के 83,99,999 जो जन्म है वो क्या थे? तो आप दुनिया में देख सकते हैं, साइंस का इतना बड़ा क्लासिफिकेशन है बायोलॉजी का, कि नाना प्रकार के झाड़ है, घास है, या नाना प्रकार के
आप बोल सकते हैं जीव है, जानवर है, पक्षी है, जलचर थलचर और ऐसा सब उसका वर्णन किया गया है, मतलब जो पानी में रहने वाले, आकाश में घूमने वाले, धरती पर रहने वाले, ऐसे अनेक योनियों को, माने 83,99,999 इन योनियों को हम भोग करके मनुष्य जीवन में आते हैं। मनुष्य जीवन की प्राप्ति कब होती है? जब हमारे भोग हम काटते 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 कम हो जाते और फिर हम मनुष्य बनने के लायक बनते हैं, तभी होती है। फिर अभी ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये इसीलिए बता रहा हूं कि ये उद्देश्य केवल मनुष्य का है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है श्रीमद् भगवद गीता में कि बाकी जो भी सब योनियां हैं उनको नए कर्म का अधिकार नहीं होता, पहले के जन्म का जो भोग है वही भोगने में उनका जीवन व्यतीत होता है, उनके पास इतना क्षमता नहीं है कि उनको 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 नया कर्म करने की प्रेरणा मिले या वो कर सके, इतनी उनकी ऊर्जा नहीं। फिर इसका आपको सिंपल उदाहरण में दे देता हूं, जैसे जो अभी हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं लोग, क्यों क्यों आप विचार करिए, जानवर भी सोता है हम भी सोते हैं, जानवर खाता है हम भी खाते हैं, और जानवर अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं और हम भी आगे बढ़ाते हैं। फिर फर्क इतना ही है कि पापी पेट को पालने के लिए हमको डायरेक्ट खाना नहीं मिलता है, हम क्या करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, वहां पर हमको तनख्वाह मिलती है और फिर हम गाय भैंसों के जैसे ही चलते हैं, बराबर है। और हमारे से ज्यादा अच्छे जानवर है, उसको ना कपड़ा चाहिए, ना घर चाहिए, ना और कुछ है, हमको तो कपड़े का भी आसक्ति है, हमको तो घर का भी आसक्ति है, हम घर तो ऐसा बनवाते हैं जैसे 5,000 साल हम इधर ही रहने वाले, हम कपड़े तो नए नए 2,000-5,000 का ऐसा पहनते हैं जैसे कि ये सदैव के लिए यही पहनने वाले हैं। तो ऐसा हम गलत रास्ते पे चलते हैं, आसक्ति रहित जीवन जीते, आसक्ति रहित जीवन जीना है लेकिन हम आसक्ति सहित जीवन जी रहे हैं, और इसीलिए हम जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हैं। जैसे कपड़े का पर्पस क्या है, शरीर को ढकना, लोग कपड़े पहनते हैं शरीर को दिखाने के लिए। जैसे खाने का पर्पस मैंने बताया कि आपको खाना क्यों खाना है, भूख के लिए, लोग भूख के लिए खाते नहीं, जीभ के लिए खाते, लोग ये देखते मेरा सोशल स्टेटस क्या है, लोग 5 स्टार में खा रहे, चलो मैं भी 5 स्टार में खाता हूं, मैं 1,00,000 रुपए की नौकरी करता हूं, मैं क्या 5,000 का बिल नहीं भर सकता। और हम जब उद्देश्य से भटकते हैं हमारी गति बिगड़ती है, हम ये सब बिना काम की चीजों से, उद्देश्य से भटकी हुई चीजों में इतना हम गुम हो जाते हैं कि परम गति को प्राप्त होने के लिए जो यत्न करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, वो हम भूल जाते हैं। और हम भगवत भागवत चर्चा नहीं करते, संकीर्तन नहीं करते, भक्ति नहीं करते, निस्वार्थ कर्मयोग नहीं करते। भगवान ने गीता जी में जो जो अपने प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए जो साधन बताए हैं वो हम कुछ भी नहीं करते और हम इसी मोह माया में अटके रहते हैं, और इसीलिए हमारी गति बिगड़ती है अभी और हम अभी ये नहीं करेंगे तो फिर कभी करेंगे, फिर से ये गलत सब उल्टे सुलटे काम किए, फिर कोई जानवर बनो, गधा बनो। ये अभी इसका वर्णन कैसे किया है भगवान ने, दूसरे तीसरे अध्याय के अंदर और आगे भी अनेक अध्याय में ये बताया कि भगवान ने इस संसार की रचना त्रिगुणमय की है, तीन गुण में। तीन गुण कौन से हैं? सत्वगुण, रजसगुण, तमसगुण। अभी सत्वगुण और रजसगुण और तमसगुण के बारे में भगवान ने विश्लेषण से अनेक अनेक अध्याय में चर्चा की है। पहले उन्होंने बताया है कि ये गुण क्या है, उसके बाद उन्होंने बताया इसकी प्रवृत्तियां कैसे होती है, फिर उन्होंने बताया कि हम कौन कौन से कर्म करने की वजह से हमको वो गुण के योग्य हो जाते हैं। जैसे सत्व कर्म करने वाले उनकी भगवान ने फीचर्स बताए रजोगुण का और तमसगुण का, जैसे भोजन के ऊपर से होता है, यज्ञ आदि क्रियाओं से होता है, हम किस प्रकार से यत्न करते हैं कोई चीज के लिए, हम अगर निस्वार्थ कर्मयोग करते हैं तो हम सत्वयोगी हुए, हम कोई चीज के बदले में करते हैं दिल के जैसा तो हम रजस गुण हुए, और हम किसी का नुकसान करके अपना फायदा करें ये तामसी गुण हो गया। तो जैसे कर्म के बारे में है वैसे भोजन, यज्ञ क्रिया इत्यादि इन सभी के बारे में भगवान ने विस्तृत पूर्वक गीता जी में चर्चा की है, जो हम उस अध्याय का जब वीडियो करेंगे चर्चा करेंगे तब हम उसको विश्लेषण से बताएंगे। तो कहने का यह मतलब है कि ये तीन गुणों से दुनिया सारी बनी हुई है। अब तीनों गुण में भगवान कहते हैं कि ये तीनों गुण की उत्पत्ति मेरे से हुई है, लेकिन न मैं इनमें हूं न ये मुझमें है, न मैं इनमें हूं न ये मुझमें है, मतलब भगवान इन तीनों गुण से अलिप्त है, भगवान इन तीनों गुण से अलिप्त है, और यह संपूर्ण जगत जो माया से व्याप्त है यह सब त्रिगुणमयी है, यह सब त्रिगुणमयी है, इसीलिए इन त्रिगुणमयी परतों के बीच में हमको पर्दे के उस पार जो सच्चिदानंद घन परमात्मा परब्रह्म विराजमान है वो हमको दिखते नहीं है। ये पर्दा और ये उदाहरण हम आपको खाली समझने के लिए बता रहे हैं, उसके पहले उसके साथ ही भगवान ने वर्णन किया है कि ये समस्त यूनिवर्स, सारा कॉस्मोस, सारा क्रिएशन, सारा जो भगवान ने बनाया हुआ है, जो हमको दिखता है, जो हमको नहीं दिखता है, जो हमको दिखता है, जो नहीं दिखता है, ये सभी दो प्रकृतियों से भगवान की बना है। वो दो प्रकृतियां कौन है? एक जड़ है और दूसरी चेतन है। उदाहरणार्थ अभी आप देख लो, आदमी आदमी को मिलता है तो आदमी को आनंद होता है,
फिर मेरे को एक बताओ, आदमी अगर मुर्दे को मिलता है तो उसको आनंद क्यों नहीं होता? वो मुर्दे के भी तो दो पांव, दो हाथ, एक चेहरा, दो कान, दो नाक, एक नाक, दो कान, दो आंख, एक मुखारविंद, सब कुछ तो है। फिर उसमें उसको मिलकर के, मुर्दे को मिलकर के मनुष्य को आनंद क्यों नहीं होता है? आनंद क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि वो जड़ है। हम चेतन भी हैं, जड़ भी है। ये जो सारा शरीर बना हुआ है ये जड़ है, और इसके अंदर जो परमात्मा का अंश है, परम अंश है, जिसकी प्राप्ति के लिए हम यत्न करने वाले हैं, या उसको प्राप्त करना यही जीवन का एकमेव उद्देश्य और मूल है, मूल कार्य है, वो चेतन तत्व है। तो जड़ और चेतन से, तो मृत्यु के पश्चात जब ये चेतन तत्व चला जाता है तो इस जड़ में कुछ नहीं रखा। ये जड़ किससे बना है? पंच तत्वों से बना है, जैसा आप आयुर्वेद में पढ़ते हैं या शास्त्रों में भी हमारे बताया गया है। पांच तत्व कौन से हैं? आकाश, पहले देखो 70% ऑफ अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, ऐसा आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं आरो का, और इसलिए आपने शुद्ध पानी पीना चाहिए। मिनरल वाटर में मिनरल होता ही नहीं है, मिनरल वाटर में मिनरल होता ही नहीं है, ये सब बनाने के काम है, और आप बनते जाते हैं और इतना बड़ा बड़ा आरो लगा के। अरे जो गरीब आदमी नल का पानी पीता है वो भी तो जीवित रहता है, उसका इम्यूनिटी तो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। हम कांच के पेटी में ऐसा खुद को बना के रखते हैं कि कुछ भी हो गया, थोड़ा हवा लग गई तो हमको बीमारी पड़ जाती है। इसलिए खुद को इतना मत संभालो, ये शरीर नश्वर है। तो हम जड़ और चेतन की बात कर रहे थे, तो जड़ तत्व के बारे में भगवान ने बताया, ये जो शरीर है हमारा ये पंच तत्व से बना है, और आगे इसका वर्णन भगवान ने किया है कि ये क्षेत्र है, क्षेत्र, क्षेत्र माने एरिया, ठीक है, इसका आगे अध्यायों में भगवान ने वर्णन किया है, क्षेत्र माने एरिया। तो ये क्षेत्र है, क्षेत्र के बारे में जो जानता है ज्ञानी पुरुष वो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ, ज्ञ मतलब ज्ञान, क्षेत्र के बारे में जानकार जो है वो क्षेत्रज्ञ, और इसके बारे में भगवान ने विस्तृत भाव से चर्चा की है। तो पंचतत्व कौन से? 70% ऑफ बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। फिर जो हार्ड मांस सब है वो सब एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स है, ठीक है। तो कौन से एलिमेंट जो आयरन, कैल्शियम, ये वो हड्डियां, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बनी है वगैरह वगैरह, हमको सब जानकारी है बायोलॉजी या मेडिकल साइंस में हम पढ़ते हैं। तो ये जो हार्ड मांस चमड़ी सब है ये सब किससे बना है? धरती से, माने धरती में सारे मिनरल्स है। उसके बाद में हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, आदमी मरने के बाद ठंडा पड़ जाता है। क्यों ठंडा पड़ जाता है? चेतन तत्व की वजह से वो गर्म। तो वो अग्नि जो है टेम्परेचर जो है वो एक तत्व है, और फिर क्या तत्व है? हमारे शरीर में खाली जगह है वहां पे वायु है, जैसे हम बोलते हैं आज हमारा गैस बन गया, तो गैस किधर से आया? वो गैस क्या है? तो ये तत्व कौन सा हुआ? वायु तत्व। या आप विचार करिए, हम प्राण वायु को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ये प्राण वायु जो तत्व है ये वायु तत्व है, और हमारे शरीर के आजू बाजू में ये जो शरीर के बाहर है वो आकाश तत्व है, जो कुछ कुछ साइंसेस में, कुछ कुछ विज्ञानों में कहा है हमारे शरीर के आजू बाजू में ऑरा होते हैं और वो हीलिंग करते हैं। ये कोई अंधविश्वास की बात है नहीं, इट इज ए साइंस। तो ये ऑरा है, और ये ऑरा को हम शुद्ध रखें, तो आप देखिए कुछ कुछ सन्यासी लोगों का, सन्यासी महात्माओं का नियम होता है, अगर वो सन्यासी है तो स्त्रियों को देखते नहीं है, या उनको छूते नहीं है, या उनके अनेक धर्म कर्म है, उनके अनेक नियम है, तो ऑरा की शुद्धि के लिए, इसको हम अंग्रेजी में ऑरा कहते हैं या आकाश, ऐसा अनेक अनेक बातें हैं। फिर ये जड़ और चेतन तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है, जड़ और चेतन भगवान की दो प्रकृति है। तो हमको ये दुनिया में जो कुछ भी दिखता है वो सब जड़ है, जैसे जड़ नश्वर है, और हमारे भीतर जो परमात्मा का अंश है, जो चेतन है, वो चेतन तत्व अविनाशी है, वो भगवान के विराट स्वरूप में से एक अंश हमारे में आया है, और जब हमारी परम गति होती है, आत्मा का परमात्मा में मिलन होता है, तो वो तत्व फिर से भगवान में एक रूप हो जाता है, जिसको हम भक्ति रूप में चरणों का दासानुदास कहते हैं, भगवान के चरणों में विलीन होना कहते हैं, और यही आत्मा का परमात्मा से मिलन है, इसी को महासमाधि कहते हैं, इसी से मुक्त होते हैं। अच्छा ये क्यों होना है? क्योंकि वो परमानंद है, जो हम परमात्मा की प्राप्ति की आकांक्षा इच्छा रख रहे हैं आसक्ति रहित, वो परम तत्व परम आनंद है। आनंद और सुख में लोग कंफ्यूजन कर देते हैं, सुख जो होता है वो बाहर चीजों से होता है, आनंद भीतर से होता है। हम किसी को मदद करें तो हमको आनंद होता है, हम भगवान की सेवा करें हमको आनंद होता है, लेकिन कुछ घटना घटी जो हम सुख होता है, मेरा प्रमोशन हो गया तो मैं सुख होगा, उससे आनंद नहीं होता है। फिर डिमोशन हो गया तो, अगर आपको एक पद नीचे ले लिया तो क्या होगा? आपको दुख होगा। तो सुख ये टेम्पोररी है, ये चिरकाल नहीं है, लेकिन आनंद चिरकाल है। बद्रीनारायण भगवान का आपने दर्शन किया, जगन्नाथ भगवान का आपने दर्शन किया, महाकालेश्वर का आपने दर्शन किया, सोमनाथ भगवान का आपने दर्शन किया, लड्डू गोपाल जी का आपने दर्शन किया, नारायण भगवान का कहीं मंदिर में आपने दर्शन किया, वो झांकी जो मन में आपको मन तृप्त हो जाता है वो आनंद होता है। और इसीलिए आनंद और सुख को भिन्न भिन्न रखना है, उसको मिक्स खिचड़ी नहीं करना है। सुख की प्राप्ति के लिए यत्न नहीं करना है, आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है।
आनंद इतना सुख के ऊपर का लेवल है। आप मेरे को बोलो, अगर आप एक समझदार इंसान है तो आप बॉस को पकड़ेंगे या चेले को पकड़ेंगे? आप बॉस को पकड़ेंगे। फिर बॉस कौन है? आनंद है, और आनंद परमानंद है जिसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैंने आपको उदाहरण दिया था जड़ और चेतन का। तो आदमी आदमी को जब मिलता है तो आनंद होता है, फिर आदमी मुर्दे को मिलने के बाद आनंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें वो चेतन तत्व नहीं है। तो हमको आनंद कब होता है? जब भी मैं हमारे सामने बैठी हुई ऑडियंस से अगर मिल रहा हूं तो उस जड़ शरीर के अंदर जो चेतन तत्व है, उस चेतन तत्व के अनुभूति से मेरे को आनंद हो रहा है। वही अगर मुर्दे के सामने अगर मैं गया तो आनंद नहीं होता है, क्योंकि उसमें वो चेतन तत्व नहीं है। तो विचार करिए, चेतन तत्व का जब चेतन तत्व से माने भगवान के ही सब अंश है तो इतना आनंद होता है शरीर में रहने के बावजूद। फिर जब ये हमारी आत्मा, ये चेतन तत्व परमात्मा में जब विलीन होती है या मिलती है, तो विचार करिए कितना परमानंद होगा, सबसे ज्यादा आनंद होगा, होगा कि नहीं होगा? इसीलिए परमानंद के लिए हमको यत्न करना है, ताकि ये सुख दुख के झंझट से हम निकल सके। फिर ये परमानंद की प्राप्ति के लिए भगवान ने हमको चार मार्ग बताए। चार मार्ग कौन से हैं? चार बोलो या तीन बोलो, कैसे भी अनेक हैं। एक जो है, तीन ही बोल दीजिए, एक जो है वो है ज्ञान योग, दूसरा है भक्ति योग, तीसरा है कर्म योग। अभी ज्ञान योग क्या है? मन को वश में रखना। अभी आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। देखो, भगवान ने इसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता जी में विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है। द होल थ्योरी इज एक्सप्लेन्ड, द होल थ्योरी इज एक्सप्लेन्ड वेरी ब्यूटीफुली एंड इन डिटेल। कैसा उन्होंने बताया है कि हमारी पांच इंद्रियां हैं, कौन सी? ज्ञान इंद्रियां, और पांच इंद्रियां हैं जो कर्म इंद्रियां, टोटल 10 इंद्रियां हैं। फिर हमारा मन है, बुद्धि है, आत्मा है, सभी कुछ भगवान ने एकदम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से किया है। तो अभी आप विचार करिए, जब आप सोते हैं तो सोने के बाद में आपको स्वप्न आता है। स्वप्न में आप खाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, घूमते हैं, सब करते हैं। फिर स्वप्न टूटने के बाद कुछ भी नहीं है, लेकिन स्वप्न में तो आपने वो सब कर्म किया, वो किधर से किया? अभी हाथ से चलाते ना, इधर आकर आपको ठंडा लगाया तो आपको चमड़ी की वजह से ठंडा लगता है। फिर जब सपने में आपको कहीं ठंड लग रही थी, वो कहां से लगी? सपने में ठंड लग रही थी वो कहां से? सपने में चोट लगी वो आपको कैसे मालूम? आपको कैसे याद रहा? तो वो ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, ऐसा डिवीजन किया है। अभी इन इंद्रियों को कंट्रोल कौन करता है? मन। मतलब जैसे उदाहरण, कैसे मन कैसे कंट्रोल करता है? अगर आपने कोई वस्तु देखी ही नहीं है, अगर आप सूरदास जी हो, आपको बताया कि ये पुष्प पुष्प नहीं है, ये पुष्प पुष्प नहीं है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसको पुष्प बोलते हैं? नहीं। तो ये कैसे मालूम पड़ा? इसका खुशबू लेने की वजह से। आपको कैसे मालूम पड़ा? इसको देखने की वजह से। तो ये हमारी इंद्रियां जा करके मन को बताती है, और मन में फिर ये स्टोर होता है। फिर मन का दूसरा ही बाजू है बुद्धि। अगर एक सिक्का है, सिक्का का एक बाजू मन है, तो उसी का बाजू बुद्धि है। अगर हम मन के साथ डोलते डोलते चले जाते हैं, और मन हमको ये जो इंद्रियां हैं इनके विषय है, जैसे अगर हमारी रसना है, रसना माने जीव, जीव का काम क्या है? रस, स्वाद, तो वो जीव का विषय हो गया। नाक का क्या है? सुगंध, तो ये सुगंध नाक का विषय हो गया, नाक इस इंद्रिय का, सुगंध ये विषय हो गया। तो वैसे हमारी आंखें हैं, तो आंखों का विषय क्या हो गया? दृष्टि हो गई। ऐसे नाना प्रकार के विषयों में हमारा मन हमको आसक्त बनाता है, और आसक्त बनाने के बाद में यही अच्छा है, यही सुख है, इसी में रमे रहो, ऐसा हमको सिखाता है। लेकिन मन की दूसरी बाजू है बुद्धि, जो बुद्धि हमको विवेक बोलो या बुद्धि बोलो, वो हमको बताती है कि क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, क्या आसक्तिहीन है, आसक्ति रहित है, और क्या आसक्ति सहित है, आनंद क्या है, सुख क्या है। ये जो भेद है, ज्ञान और अज्ञान का जो भेद है, ये हमको बुद्धि माने विवेक बताती है। और ये विवेक हमारे शास्त्रों में, और श्री तुलसीदास जी गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में, श्री रामचरितमानस में कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई माने क्या? बिनु सत्संग, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। अभी सत्संग का अनेक अर्थ होता है। सत माने भगवान को ही दूसरा नाम सत बोला है। 17वें अध्याय में या 16वें अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान ने कहा है कि ओम, तत् और सत, ये जो तीन शब्द है, इनका मतलब परमात्मा ही है, और उनका जहां जहां पे भी उपयोग प्रयोग होता है वो इसी उद्देश्य से, उसी से निगड़ित होता है। और श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी गोस्वामी जी ने कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न हुई। यह जो विवेक है, बुद्धि है, ये बिना सत्संग के नहीं आती। फिर अब ये इसका क्या अर्थ हो गया सत्संग का? भगवान ने 16वें या 17वें अध्याय में कहा है कि ओम, तत् और सत, ये जो तीन शब्द है, इनका अर्थ परमात्मा इस भाव से ही है
माने पर वो जो जो शब्द रचना है, जो जो सेंटेंस की रचना है, उस हिसाब से परमात्मा ऐसा अर्थ वहां पे। तो आप देखिए कोई भी काम जो सत्व गुण का कार्य है उसको हम शुरू करने में ओम लगाते, कोई मंत्र उच्चारण है ऐसा सब, या तत्सत इति ऐसा भगवान ने सब जगह पे। तो सत्य माने सत्य, सत्य माने परमात्मा, परमात्मा की संगति की वजह से ही हमको विवेक मिलता है। अभी परमात्मा की संगति ये हमको कैसे मालूम पड़ेगा, परमात्मा की संगति कैसे, तो गुरु कृपा से। हमारी माता हमारी पहली गुरु है, हमारे पिताजी हमारे गुरु है। गुरु इस शब्द का भागवत इसमें श्रीमद् भगवद गीता में अनेक जगह पे, दो तीन जगह पे गुरु का अर्थ माता पिता जो सभी बड़े हैं, या हमारे जो गुरु आचार्य हैं जिनकी हमने दीक्षा ली है, ऐसा सभी उसका अर्थ है। तो हमारे गुरु से मिलता है। और जब ये हमारे लेखों में ऐसा भी लिखा है कि गुरु और भगवान सामने सामने है तो आप पहले किसको प्रणाम करोगे, तो बोले गुरु को प्रणाम करेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु ने हमको बताया कि ये भगवान है। तो बिना सत्संग के विवेक नहीं है। सत्संग कौन बता रहे हैं? गुरु बता रहे हैं, या हमारे शास्त्र वेद आदि बता रहे हैं। तो बिना इसके विवेक नहीं है। और सत्संग का एक और अर्थ जो बोली भाषाओं में लिया जाता है, सत्संग माने भगवान की कीर्तन प्रवचन आदि ये सब, तो बिनु सत्संग। इसलिए विवेक बहुत महत्वपूर्ण है। तो मन की दूसरी बाजू बुद्धि है, बुद्धि से काम लेना है। और बुद्धि विवेक से जब हम काम लेते हैं, सत्व आचरण करते हैं, सत्व खाते हैं, तो उसके बाद में धीरे धीरे हमको मालूम पड़ता है कि ये आत्म तत्व क्या है। और इसी को टू नो योर सेल्फ, महर्षि रमण जी को जब अरुणाचल में अरुणाचल पहाड़ों में वहां पे वो तपश्चर्या कर रहे थे, उनका मौन व्रत था, तो किसी ने उनको पूछा कि महाराज जी जीवन का उद्देश्य क्या। उन्होंने पेपर पे लिख के बताया कि टू नो योर सेल्फ, स्वयं को जानना, माने इस आत्मा को जानना। इस आत्म रूप को ज्ञानी पुरुष जो भी जानता है वो परमात्मा में विलीन हो जाता है और इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसके जीवन का उद्देश्य सफल हो जाता है। तो हम चर्चा कर रहे थे उन तीन पथों की, या तीन रस्तों की, या तीन रस्तों की, जिसको थ्री वेज टू रीच गॉड, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। फिर ज्ञान योग में क्या है? मन को वश करना। अभी मैंने आपको बताया मन क्या है, मन को वश में करना, मतलब अच्छा बुरा, सफाई गंदगी, सुख दुख, ठंडी गर्मी, इसका कोई भी समय में कोई भी काल में उसको फर्क नहीं पड़ता है। आप उसको रोटी दो या ना दो, उसको आप मारो या उसको आप प्रशंसा करो, उसको आप गाली दो, सभी भावों में समान, माने उसको उस भाव को लगा के नहीं लेता है, उसको ज्ञान बोलते, किसी के बारे में विचार करके सोच नहीं, ईर्ष्या नहीं। तो कुछ कुछ जो अभी अंग्रेजी में इसको सुलभ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बोलते यू टेक द थिंग एज इट इज, डोंट कंफ्यूज और डोंट एंटैंगल योर सेल्फ बिटवीन गुड एंड बैड, लाइक एंड डिसलाइक। क्यों, क्या होता है जब हम निर्णय लेते हैं अच्छा ये बुरा, तो हमारा कर्म बनता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कर्म से ज्यादा भाव को महत्व है। जैसे आप किसी को मार दिए माने ध्यान से मार दिए, और आपने मन में विचार किया इसका बुरा हो, इसको मार दो, या आपने किसी का बुरा किया, तो भाव से भी कर्म बंधता है और शायद ज्यादा प्रबल। तो इसीलिए जब हम किसी के बारे में राय बनाते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, ये सही है ये गलत है, ये ऐसा है ये वैसा है, तो हम हमारे कर्म को बांधते हैं। और इस तरीके से जितने हम कर्म बांधेंगे उतने हमको भोगने पड़ेंगे। नींद में आए हुए सब स्वप्न का भी कर्म जब हम बंधता है, तो फिर विचार करने की बात है कि अगर हमको मुक्त होना है तो हमारे कर्म का बैलेंस नील होना चाहिए, अच्छा बुरा जो हमने काम किया वो नील होना चाहिए। और इसीलिए बोलते हैं इस जन्म का इधर ही भोग के जाएगा। क्यों? क्योंकि पुराने पहले के जो योनि है उनको खाली भोगने का अधिकार है, उनको नया कर्म करने का पावर नहीं है, लेकिन मनुष्य जीवन को है। हम जानवर से आदि के, भगवान ने हमारा न्यूरल सिस्टम इतना इवॉल्व क्यों किया, भगवान ने हमको इतनी बुद्धि क्यों दी, इसीलिए दी कि हम भगवत प्राप्ति के लिए यत्न कर सके। तो इसीलिए ज्ञान योग मतलब इन शॉर्ट मन को आप पूरा वश में करो, और ज्ञानी पद्धति से भगवान को परमात्मा के रूप से, जो वो वास्तविक रूप है परम तत्व का, उससे जानो। ये हो गया ज्ञान योग, और आप परम स्थिति में बने रहो। दूसरा हो गया भक्ति योग। आपको वर्तमान ग्रंथ में हजारों हजारों ऐसे आपको गृहस्थ मिलेंगे और संत भी मिलेंगे जो इतने बड़े बड़े भक्त होकर के गए। और भक्त जैसे हमको मालूम है मीराबाई है, और ये हमारे ज्ञानेश्वर महाराज है, या तुकाराम महाराज है, नामदेव महाराज है, या अनेक अनेक जहां जहां के संत है वहां वहां के हैं। और ये सभी संत भक्ति में रमे हैं, भगवान के कीर्तन संकीर्तन में, भगवान के श्रृंगार में, भगवान के रूप में, भगवान के गुणों को गाने में, भगवान का सत्संग करने इसमें जुड़े हैं, और एकदम भगवान में लीन है, भगवान की भक्ति में, भगवान की लीलाओं में, ये भक्ति योग। दूसरा उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, और उसको भक्ति योग से प्राप्ति होती है। और तीसरा है जो कर्मयोग।
कर्मयोग माने निस्वार्थ कर्मयोग, जो हम आपको थोड़ा शुरुआत में हिंट दिया, आपको बताया कि निस्वार्थ कर्मयोग वो है कि जो मेरे लिए जितना आवश्यक है उतना कर लिया, बाकी सब दूसरे को समर्पण में, जिसको जरूरत है, जिसको जरूरत है। जैसे कोई अकिंचन है उसको आपने मदद किया, कोई अकिंचन है उसको आपने मदद किया, कोई भूखा है उसको आपने खाना खिलाया, तो उस गुण के हिसाब से, रजस तमस और सात्विक गुण के हिसाब से, सत्व गुण के हिसाब से वो कर्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भगवान ने गीता जी के अंत में 17वां 18वां अध्याय में किया है। लेकिन ये हो गया निस्वार्थ कर्मयोग, मतलब खुद के बारे में न सोचते हुए दूसरों के लिए यत्न करना, दूसरे परमात्मा का अंश है इस हिसाब से। अभी आप एक चीज का विचार करिए, अभी आप सभी को यह पता चल गया कि इस जड़ शरीर में, पंच तत्व से बने शरीर में अंदर एक चेतन तत्व है, वो परमात्मा का अंश है। जो मुझ में है वो सामने बैठे ऑडियंस में भी है, जो यहां पे है वो उधर भी है, जैसे चींटी भी है, हाय गाय घोड़ा हाथी कुछ भी है, जो भी जलचर थलचर और आकाश में विचरने वाले जितने भी प्राणी हैं जिनको हम लिविंग बोलते हैं, वो सब में ये परम तत्व है, इसीलिए वो ये सब कर सकते हैं। जैसे हमको आंख में देखने की शक्ति कौन, यही परम तत्व देता है। नाक से सूंघने की शक्ति कौन, यही परम तत्व देता है। और ये परम तत्व सभी हमको लिविंग बनाता है। मैंने आपको मुर्दे का उदाहरण दिया पहले, तो ये परम तत्व हमको सबको, तो जो भाव हम मनुष्य मनुष्य में रखते हैं वही भाव अनेक दूसरे जानवरों में भी रखना है। हमारे पैर के नीचे चींटी आके ना मरे, चींटी मरी तो भी किसी चेतन तत्व का हमारे से पाप हो गया। ये बात हमको ध्यान में, आप विचार करिए, कोई आपको आके अगर आपको मार दे तो आपको चलेगा, नहीं चलेगा। आप में भी वही चेतन तत्व है जो छोटी सी चींटी में। भगवान ने इसका उदाहरण, और जो जिन्होंने भाषांतर किया है उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। अभी खुशबू है तो हवा आती है, खुशबू को लेके जाती है। जैसे वहां दूर अगर कहीं पे समोसे का ठेला है तो क्या होगा, आपको इधर तक खुशबू आएगी। क्यों, कैसे आ रही है, हवा से दिखती है कहीं खुशबू, नहीं। ये पुष्प है, गुलाब के पुष्प से इतनी देर से इतनी सुंदर खुशबू आ रही है, आपको दिख रही है, नहीं। उसी प्रकार ये चेतन तत्व जब शरीर को छोड़ता है, या शरीर में जब नवे एक मातृ के गर्भ में जब आता है वो तत्व, उस नए बनने बालक वाले में, तो हमको दिखता नहीं है। यह चेतन तत्व एकदम सूक्ष्म है। फिर हम बोलते भगवान इधर भी है उधर भी, इधर कहां है। ये जड़ चेतन जो भी हमको दिख रहा है सभी भगवान है। बस जो जड़ भाग है वो माया के रूप से बना हुआ है, और वो विनाशकारक है। विनाशकारक नहीं माने उसका विनाश होता है, और जो चेतन तत्व है वो अविनाशी है, वो अविनाशी है, कभी भी खत्म ना होने वाला ऐसा है। तो कर्मयोग ऐसा करना है कि निस्वार्थ भाव से सेवा रखना है। फिर कोई बोलते हैं कि परम तप परम ज्ञानी, एक भागवत में, श्रीमद् भागवत में बहुत ही सुंदर उदाहरण है जड़ भरत महाराज का एकदम छोटे ब्रीफली आपको मैं बताता हूँ ये क्या कथा है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। लोग आपने सुना होगा हिमालय में तप करते हैं, 5,000 साल तप करते हैं। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर में शांति प्रस्ताव के लिए जब जाने वाले थे, तो शास्त्रकार कहते हैं 80,000 साल की तपश्चर्या छोड़ करके हिमालय से साधु सब हस्तिनापुर भागे थे। और क्यों भागे थे, बोले कृष्ण आज परमात्मा स्वयं बोलने वाले हैं, हमारा कोई शब्द चूक न जाए, हमारी योग हमारा भंग हो गया तो चलेगा, परमात्मा की वाणी रोज रोज सुनने नहीं मिलती। तो 80,000 साल तप करते फिर भी मुक्त नहीं होते हैं, तो बहुत बड़े बड़े योगी हैं। तो ये जड़ भरत महाराज के बारे में यही कथा है। राजा बहुत योगी थे, बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष थे, लेकिन वो निराकार की भक्ति करते थे। निराकार मतलब जिसका कोई रूप नहीं है। तो चतुर्भुज नारायण ये सगुण रूप में सर्वोत्तम है, इसीलिए इनको पुरुषोत्तम, सब पुरुषों में उत्तम ऐसा भी कहा गया है। सगुण रूप में भगवान का जो भी दर्शन है उसमें चतुर्भुज नारायण सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा भगवान ने श्रीमद् भगवद् गीता जी में कहा है कि मैं चतुर्भुज रूप में ही सर्वश्रेष्ठ हूं। उसके ऊपर निराकार रूप है भगवान का, तो निराकार आकार ऐसा भी भगवान का, साकार भी है निराकार। तो साकार रूप में चतुर्भुज नारायण दर्शन जो दुर्लभ है वो भगवान ने अर्जुन को सुलभ करवाया। श्री अर्जुन को क्यों सुलभ करवाया, क्योंकि भगवान का अर्जुन परम भक्त था, महान तपस्वी महान योगी तो था लेकिन भगवान का परम भक्त भी था। तो ये जो जड़ भरत महाराज है, ये महाराज सारा राजपाट अपना छोड़ के संन्यास के लिए आए,
और कहां पे आया, गंडकी नदी के किनारे, नेपाल में गंडकी नदी है, गंडकी नदी के किनारे वो आकर के तप करते, पर्णकुटी में रहते, एकदम अल्पाहार करते और सूर्योदय के पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में जाके नदी में, गंडकी नदी में स्नान करते, सूर्योदय होने तक वहीं पे तपश्चर्या करते, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते, बाहर आते, यज्ञ आदि करते, निराकार का ध्यान करते। एक बार ऐसा हुआ कि निराकार का ध्यान करते करते एक उनको ऐसा सामने दिखा कि उस गंडकी नदी के किनारे एक हरिणी थी जो गर्भवती थी और उसके वो पानी पीने के लिए आई थी। तो वहां पे जोरदार सिंह गर्जना हुई। सिंह गर्जना होने के बाद वो हरिणी डर गई। डरने के बाद उसने उसके गर्भ में जो बच्चा है उसको बचाने की प्रयत्न किया और बचाने का प्रयत्न करने हेतु उसने उस नदी को छलांग करने की कोशिश की। बोले ये ज्यादा उंडी नहीं है, ये ओछी है और इसीलिए उसमें उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसके पहले ही उसका प्रस्तुतिकरण हो गया और उसने छोटे सुंदर हरिण बालक को जन्म दिया। ए भरत जी महाराज निराकार के बहुत बड़े भक्त थे, निराकार को ध्यान करते थे, तो उन्होंने उस छोटे से हरिण बालक में परमात्मा का दर्शन किया और परमात्मा की यही इच्छा है कि मैं इस बालक की रक्षा करूं, इसीलिए वो बालक को रक्षा करते हैं। बालक की रक्षा की ये कोई गलत नहीं है, लेकिन उस हरिण बालक में उनका मन आसक्त हो गया। उसको अपने बालक के जैसे वो खिलाते हैं, पिलाते हैं, बड़ा करते हैं, गोदी में खिलाते हैं और ऐसा करते करते उस हरिण बालक में आसक्त हो गए। जिस आसक्ति को छोड़ने के लिए राजपाट घर इत्यादि सबका त्याग किया था, इस जंगल में आकर के गंडकी नदी के किनारे तप करते करते फिर से आसक्त हो गए। एक बार हरिण फिर घूमने चले गया, उसको एक हरिणी मिल गई और जब तक जड़ भरत महाराज थोड़े बूढ़े हो गए थे, बीमार से हो गए थे, मृत्युशैया में सोए थे, तब इनको निराकार का ध्यान ही नहीं आता है। इनको खाली वो हरिण बालक जो जिनकी उन्होंने बचाया था उसको याद आता है। उनको ऐसा लगता है एक बार तो ये मेरे को आकर के मिले और मृत्युशैया में हरिण बालक आकर के उनको मिलता है तो अंत समय में जब हरिण बालक उनको मिलता है तो उनको वो सब दृश्य याद आता है कि हरिण बालक की ये जो माँ थी हरिणी, उसने वो गंडकी नदी में उसने छलांग लगाई थी और इस बालक को बचाने के लिए मैंने यत्न किया था और ये ध्यान में आते आते उन्होंने प्राण त्याग दिए। फिर हमारे शास्त्र में ऐसा कहा है अंत मति वैसी गति, जैसा हम अंत बार में जैसा सोचते हैं अगले जन्म में वही बनते हैं। तो अगर हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो परम तत्व में हम विलीन हो जाएंगे। लेकिन भरत जी महाराज ने क्या किया, उनको ध्यान में आए हरिणी और उसका बालक। फिर इसीलिए अगले जन्म में कारंदगिरी पर्वत पर उसी हरिणी के गर्भ में इनका हरिण रूप में जन्म हुआ और जितने दिन तक उस हरिण बालक को इन्होंने खिलाया पिलाया और अपने उसमें आसक्त रहे उतने दिन उनको हरिण रूप में रहना पड़ा। घूमते घूमते फिर उस गंडकी नदी के किनारे वो आए थे और उनको याद आया कि यहाँ पे मैं प्रातः काल उठ करके सूर्योदय को सूर्य अर्घ अर्पण करता था ऐसा सब, और उनको पश्चाताप होता है कि छोटी सी भूल से मेरा पूरा मरण बिगड़ गया, मेरे को फिर से जन्म लेना पड़ा, मैं जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं हुआ। और उसी नदी में आकर के रोते रोते भगवान का ध्यान करते हैं, हरे नमः हरे नमः। और फिर बाद में ब्राह्मणपुर ऐसा ही प्राण त्याग देते हैं उसी नदी में और फिर ब्राह्मणपुर में जन्म होकर के उनका उद्धार हो जाता है। आगे लंबी कथा है, लेकिन बताने का मतलब यह है कि जब हम मृत्यु हमारी होती है तब हमको अंत समय में 100% दृश्य दिखता है क्योंकि हम मन के अधीन है, बुद्धि के अधीन है। लेकिन जो लोग निराकार का ध्यान करते हैं उनके सामने क्या चित्र आएगा, निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं। फिर आकार का अगर भगवान का कोई आकार नहीं है, हम निराकार का ध्यान करते हैं तो हम अंत समय में क्या याद करेंगे, भगवान किस रूप में याद करेंगे। और इसीलिए हमको अंत समय में कुछ तो दिखने वाला है और निराकार का ध्यान नहीं कर सकते, उसका कोई छवि नहीं है, दृश्य नहीं है, फिर हमको ये सब माया का कोई ना कोई दृश्य आता है, घर का, बेटे का। जैसे जड़ भरत महाराज को उस हरिण बालक और उसकी माँ हरिणी का दृश्य आया था, उसी प्रकार से ये सब होता है। लेकिन जब हमारे सामने सगुण रूप में भगवान चतुर्भुज रूप में हमारे सामने है या नंद गोपाल बाल गोपाल हमारे सामने दृष्टि के सामने है अंत समय में, तो हमको भगवान का ही दर्शन होता है और भगवान का ही भाव मन में होता है और अंत समय में भगवान का दर्शन करते करते, चिंतन करते करते, मनन करते करते, स्मरण करते करते जब हम प्राण का त्याग करते हैं तो हम परम तत्व को प्राप्त होते हैं, परमानंद को प्राप्त होते हैं और इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य हम सफल करते हैं। इसीलिए श्रीमद्भागवत में अनेक ऐसे उदाहरण हैं और यही इसीलिए भगवान ने बोला है निस्वार्थ कर्मयोग तो करना है लेकिन भक्ति योग भी करना, बिना भक्ति के कुछ नहीं होता। और केवल भक्ति भी नहीं, भगवान ने बोला कर्मयोग भी करना है, तो खाली भक्त से ज्यादा भगवान को कर्मयोग भी प्रिय है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा है तू अनन्य भक्त तो है लेकिन तुम मेरी बात को मान करके
कर्मयोग करो, तुम्हारा कर्म यह है कि अभी युद्ध करना है, और इसीलिए कर्मयोग श्रेष्ठ भी है। और भक्ति योग और कर्मयोग का जो समन्वय है, इससे हम सरलता से परम तत्व को प्राप्त हो सकते हैं। अभी हमने ये सब कुछ जाना कि क्या तीन प्रकार हैं जिनसे हम भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो सकते हैं, उस सच्चिदानंद घन को प्राप्त हो सकते हैं। एक वर्णन भगवान ने यह भी किया है, एक वर्णन, भगवान को तो सब पता है, भगवान की लीला है, भगवान के हम निर्माता है, निर्माण है भगवान का, भगवान ने हमको बनाया। फिर उसमें उदाहरण दिया है कि भगवान ने कहा है चार प्रकार के मेरे भक्त हैं, चार प्रकार के मेरे भक्त हैं। तो भक्त कैसे हैं? बोले यथार्थ। यथार्थ मतलब क्या? भगवान आप मेरा यही काम करो, मैं आपको इतना इतना भोग लगाऊंगा। आप मेरा यही बिजनेस में फायदा करो, मैं आपको इतना इतना चढ़ावा दूंगा। ये हो गया, भगवान बोले चल तू भी राजी मैं भी राजी, तो भगवान उसकी भी मनोकामना पूरी। फिर दूसरा आता है, बोलता है आर्त। आर्त माने रोने की स्वर में जो ये, जब कब होता है तकलीफ आती है, कोई को कोरोना हो गया, अरे भाई मेरे घर में कोरोना हो गया, भगवान इसको ठीक करो, मैं आपको इतना 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 चढ़ावा करूंगा, आप इसको ये करो, ऐसा सब। ये हो गया जब हमको तकलीफ आती है, भगवान मेरा इतना घाटा हो गया, अभी आप इसको कुछ संभालो, मेरे को हार्ट अटैक आ गया, मैं आईसीयू में चला गया। उसको ये ध्यान में नहीं आता कि ये हार्ट अटैक मेरे ही कर्मों का फल है। बिना तथ्य के, बिना पथ्य के कंटिन्यू खाते जाओ, फिर बीमारी को शरीर में बढ़ाते जाओ, और फिर भगवान याद आता है, बोले भगवान मेरा हार्ट अटैक ठीक करो, भगवान बोले मैं क्यों ठीक करूं। तो ये हो गया अर्थ। तीसरा हो गया जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब जो लोग, भगवान बोलते हैं जो मेरे बारे में मेरे परम तत्व को, मेरे परम रूप को जानने का यत्न करता है, भगवान क्या है, तत्वज्ञान क्या है, इसको जानने में यत्न जो करता है, वो एक तीसरे प्रकार का भक्त है। और चतुर्थ प्रकार का जो भक्त है, वो भगवान ने कहा है कि वो ज्ञानी पुरुष है। ज्ञानी का भगवान ने डेफिनेशन है कि जो भगवान को परम तत्व से जानता है। परम तत्व से मतलब क्या? इस दुनिया में जड़ चेतन सब कुछ जो भी है वो भगवान है, और इस तत्व से भगवान को जानने वाले जो भी ज्ञानी पुरुष है, वो भगवान बोलते कि वो मुझको अत्यंत प्रिय है। चारों प्रकार के भक्त में से वो सबसे श्रेष्ठ भक्त है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को परम तत्व से जानते हैं, और इसीलिए इस आत्मा का परमात्मा से कंटिन्यू मिलन चलते रहता है। भगवान बोलते हैं मैं उसी ज्ञानी पुरुष में मैं स्थित हूं, और इसीलिए वो ज्ञानी पुरुष भगवत तुल्य है, ऐसा भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा है। वो भगवान का ही तत्व उनको जान देते हैं कि भगवत तत्व मुझ में है, वो आत्मन मुझ में है, और ये जानने के बाद, भगवान को परम तत्व परम रूप से जानने के बाद, वो महापुरुष, वो संत, वो ज्ञानी पुरुष भगवत तुल्य हो जाते हैं। और ऐसे अनेक प्रकार के और अनेक उदाहरण आपको मिल सकते हैं, हमारे समाज में इतने सारे ज्ञानी पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि सभी ज्ञानी पुरुष हिमालय में जाके तप करते हैं, अनेक अनेक ऐसे उदाहरण है, भक्तमाल में भी ऐसे अनेक उदाहरण है, अनेक अनेक मठों के पीठाधीश्वर, अनेक अनेक संस्थाओं के प्रमुख, ये सभी बहुत ही ज्ञानी पुरुष रहे हैं, और इसीलिए भारत सनातन परंपरा ऐसे ही अविरत चलती रही। और ये जो चार प्रकार के भक्त हैं, तो हमको भी इसमें से क्या समझा? हमको यथार्थ भी नहीं बनाया, टू एंड गिव फ्रो एंड गिव, भगवान तो मेरा ये कोई डील चल रहा है नहीं, हमको खाली दुख आया तो भगवान याद आते, ऐसा भी हमको नहीं करना है। सुख रहो या दुख रहो, हमको भगवान के शरण में रहना है। अच्छा, इसका उदाहरण क्या? हम माया में लिप्त हो जाते हैं, माया में लिप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब अच्छा लगता है ना, अच्छा खाने को मिला, अच्छा पहनने को मिला, अच्छा रहने को मिला, 2-4 हजार, 5 हजार, 2-4, 5 लाख ऐसा उड़ाने को पैसा मिला, तो आदमी को दूसरा कुछ दिखता नहीं है, आदमी ये सब में अंधा हो जाता है, क्योंकि ये सब दुनिया तीन गुणों में युक्त है, और भगवान तो इसके परस्पर बाहर है, इसमें नहीं है। तो इसलिए हमको परम तत्व का थोड़ा भी भाव नहीं होता है। तो विचार करने की बात यह है कि अगर हम यत्न ऐसा करेंगे तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी, और बिनु सत्संग विवेक न होई, ये मैंने आपको बताया। फिर अभी लेकिन आप बोलेंगे फिर ये जड़ चेतन को अलग अलग करके परम तत्व को कैसे जानूं, खुद को फाड़ के जैसे हनुमान जी महाराज ने किया था? नहीं नहीं, ऐसा तो कैसे होगा, इतने तो हम परम भक्त है नहीं। फिर क्या, आपको उदाहरण देकर के समझाता हूं। मिट्टी में अगर पानी डाला तो क्या होता है? कीचड़ होता है, और कीचड़ को साफ करना है तो भी पानी का प्रयोग करना पड़ता है। कुछ समझे कि नहीं? कहने का मतलब यह है कीचड़ होने का कारण भी पानी है, और कीचड़ धुलने का कारण भी पानी है। उसी प्रकार से इस जग मोह में, मोह माया में फंसने का साधन भी माया है, और भगवत प्राप्ति के लिए साधन भी माया है। माया कैसे? ये जड़ रूप। भगवान ने हमको आंख दिया भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान ने हमको हाथ दिया भगवान को पुष्प अर्पण करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए, निस्वार्थ कर्मयोग दूसरों की सेवा करने के लिए। भगवान ने हमको नाक दिया क्यों? अच्छा सुगंध ग्रहण करने के लिए, भगवान को चंदन का लेप करते हैं उसका सुगंध। भगवान ने हमको मुखारविंद दिया क्यों? दिया मुख क्यों दिया? भगवान का नाम स्मरण करने के लिए। हम तो गालियां देते नहीं थकते, हर एक लाइन के सेंटेंस में लास्ट में लोग गाली देते हैं। गालियों के बारे में महाराज जी ऐसा कहा गया है
कि जिन्होंने रामायण का भाषांतर लिखा है या जिन्होंने उसके ऊपर टिप्पणी लिखी है, वो कहते हैं कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा के रावण ने सारी लंका में उनको घुमाया था, तो वह राक्षसों के जो पुत्र थे वो गाली देते थे, गाली देते, तारी देते, किलकारी देते, ऐसा उसका वर्णन है। तो उसमें वर्णन ऐसा कहा गया है कि जो गाली देते हैं वो राक्षस कुल के हैं, जो अच्छे लोग हैं वो गाली नहीं देते हैं। भगवान ने 16वें अध्याय में दूसरे तीसरे श्लोक में सज्जन पुरुष दैवी संपदा और दूसरा आसुरी संपदा, इनका 16वें अध्याय में इन डिटेल भगवान ने वर्णन किया है। तो ये जो आसुरी संपदा के लोग हैं वो क्रोध करते हैं, उनका आसक्ति सहित उनका कार्य रहता है, और उसमें गीताजी में पूरा वर्णन किया है 16वें अध्याय को डिटेल में। कहने का ये मतलब है गाली देने वाले आसुरी वृत्ति के हैं। तो हमको विचार करना है कि हम राक्षस कुल के हैं, जिनके घर में गाली दी जाती है वो राक्षस कुल के हो गए, और जो सत्व भाव अच्छे से होते हैं वो सज्जन या देवी संपदा के हो गए। तो ये बात है, तो गाली देते ताली देते हम राक्षस कुल के हैं क्या? नहीं है। तो इसीलिए हमको मुख क्यों दिया है? भगवान का नाम स्मरण, अच्छे शब्दों से लोगों को प्रसन्न करने के लिए, दूसरों को आनंद देने के लिए इसीलिए दिया गया है। तो इसका प्रयोग हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसीलिए ये माया ही है ना, जड़ जो तत्व है शरीर, मैंने आपको बताया ये माया ही है, लेकिन इसका जो चेतन तत्व है वो हमको बोलने की शक्ति देता है, वो हमको सूंघने की शक्ति देता है, वो हमको सुनने की शक्ति देता है, वो हमको देखने की शक्ति देता है। और इसीलिए जिस प्रकार पानी से कीचड़ होता है लेकिन कीचड़ को साफ करने के लिए पानी का ही प्रयोग होता है, उसी प्रकार माया से मनुष्य मोह में फंस जाता है, लेकिन उसको अगर तरना है तो इसी माया के साधन से वो मुक्त भी हो सकता है। ज्ञानी पुरुष ज्ञान तत्व को जान के, भगवान को परम प्रकृति से जान करके वो मुक्त भी हो सकता है, भगवत धाम में स्थित भी हो सकता है। तो तत्व से जानने के लिए प्रकाशमय परमात्मा का हमारे हृदय में हमको दर्शन होता है। अंत समय में सभी को होता है, प्रकाशमय परमात्मा सभी के हृदय में, उसका हमको क्यों नहीं दर्शन होता? क्योंकि ये जड़ का आवरण उसके ऊपर है। लेकिन मृत्यु समय हमको प्रकाशमय, जब वाचा मुख हो जाती है, मुख पड़ती है, और जब हमारा जो प्राण है वो मन में मिलता है, तो हमको मालूम पड़ता है प्रकाशमय परमात्मा मेरे हृदय में है, और हमको प्रकाशमय परमात्मा के सभी को उनका दर्शन होता है। और फिर मनुष्य को वो सब ऐसा फ्लैशबैक जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको सब ध्यान में आता है कि मैं माया से कैसे फंसाया गया, और फिर उसकी जो भी गति होनी है वो होती है। तो उस परमात्मा को पहले ही जान लो, थोड़ा अपना स्वार्थ देख लो और मुक्त हो जाओ, जीवन के पर्पज को सर्व करो। और भक्ति योग का महत्व भगवान ने एक इस भाव से भी बताया है कि आप देख लो, भक्ति से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते। उदाहरण ध्रुव जी महाराज को उनके पिताजी ने अपने गोदी में नहीं बैठाया, तो वो ध्रुव जी छोटे बालक थे, गुस्सा हो गए, 5 साल के बालक थे, गुस्सा हो गए तो फिर चले गए घर छोड़ के। उनको माता ने पूछा क्या करूं, माता को उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूं, तो उनकी माता ने बोला भगवान का ध्यान करो। तो वो जंगल में चले गए, वन में तपस्या किए, और 6 मास में उस छोटे से 5 साल के बालक के तप के ऊपर प्रसन्न होकर, भक्ति के ऊपर प्रसन्न होकर भगवान ने साक्षात दर्शन दिया। और कुछ कथाकार और कुछ टिप्पणियों में ऐसा भी वर्णन है कि उनके अनेक जन्मों की तपश्चर्या थी, जो 6 महीने में जो बाकी थी वो पूरी हो गई, और वो निमित्त से भगवत दर्शन हो गया। क्योंकि भगवत दर्शन, चतुर्भुज नारायण का दर्शन सुलभ नहीं है, बहुत दुर्लभ है, लेकिन भक्ति से बहुत सरल और सुलभ भी है। इसका एक और उदाहरण अगर आप देखें तो प्रहलाद जी महाराज को हिरण्यकश्यप राक्षस ने अनेक यातना दी थी, उसके वडील थे, पिताजी थे, फिर भी प्रहलाद जी ने एक भी शब्द उल्टा नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उसमें भी, हिरण्यकश्यप में भी उनको परमात्मा के अंश का दर्शन होता था। सभी जगह भगवान है, जड़ चेतन सब कुछ भगवान है। तो जब ही उस खंभे को उसने गदा मारी, तो हिरण्यकश्यप ने गदा मारने के बाद नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हुए, और ये भक्त की बात को सत्य कर दिया कि जड़ चेतन सब जगह पे भगवान है, और नरसिंह भगवान की जय। ये बात है, इसीलिए जड़ चेतन सब जगह पे भगवान है। और भक्ति का यह है कि आप भाव से भक्ति करो। ब्रह्मा जी को भी जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, तो 100 वर्ष के बाद भगवान नारायण ने उनको दर्शन दिया था। तब तक वो ढूंढ ही रहे थे कि मेरी उत्पत्ति कहां से हुई, और ब्रह्मा जी का एक दिन माने एक कल्प में इसका हिस्सा बहुत लंबा जोड़ा, इतने युग हो जाते। तो कहने का यह मतलब है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग में भक्ति योग और कर्म योग का समन्वय अतिशय श्रेष्ठ है, भगवत प्राप्ति के लिए सिद्ध है, और नाम स्मरण करने से, भक्ति से इस कली काल में हमारा उद्धार हो सकता है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हम हो सकते हैं। ये बात है, इसीलिए राम राम की वही है, राम राम लिखो। राम राम लिखना, वंस राइटिंग इज इक्वल टू 2 टाइम स्पीकिंग, ऐसा अंग्रेज में कहा है, एक बार लिखना माने 2 बार बोलने के बराबर है। इसीलिए राम राम का जाप करना है, भगवान से ज्यादा श्रेष्ठ भगवान का नाम है। ऐसा रामायण जी में एक प्रसंग आता है, जब राम जी
जब समंदर के किनारे सेतु बनता होता है और नल नहीं लिए जो दो आर्किटेक्ट हैं उस और सभी वानर सेना ने सहकार्य करके पूरा सेतु बना लिया। जब ये सेतु बनाया तो सेतु कैसे बनाया, पत्थर के ऊपर श्रीराम लिखा, श्रीराम की शिला को पानी में डाला, पानी में डाला तो श्रीराम का जो अक्षर था वो पानी के बाजू में था ताकि कोई पैर दे तो श्रीराम के नाम पे पैर ना पड़े। और दूसरी बात यह है कि श्रीराम के इस नाम से वो पत्थर तर रहा है ऐसा। तो भगवान ने विचार किया मेरे नाम से अगर पत्थर तरता है तो मैं फेंकूंगा तो भी तरेगा। तो भगवान को थोड़ी शंका है, भगवान थोड़ा नदी ये समुद्र के किनारे गए, थोड़े दूर गए कि कोई मेरे को देखे ना। और आप सभी को तो मालूम है कि श्री हनुमान जी महाराज भगवान के परम 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 दास हैं, परम भक्त हैं। और जहां भगवान वहां हनुमान जी, जहां जहां आज भी रामकथा का वाचन होता है वहां वहां नित्य कोई ना कोई रूप में हनुमान जी महाराज उपस्थित है, ये शत प्रतिशत सत्य है। तो ऐसी बात है कि राम जी महाराज समुद्र के किनारे गए और देखा कोई नहीं है और हनुमान जी महाराज राम जी को समझे नहीं, उतने में चुपचाप आके ऐसे भगवान के चरणों में उनकी नजर। और तब राम जी ने पत्थर उठाया और समंदर में फेंका, देखा तो वो डूब गए। डूबने के बाद भगवान ने प्रयत्न किया, बोला एक बार गया ओके वंस मोर, तो भगवान ने और एक पत्थर को शिला को समुद्र में फेंका तो दिखा कि वो भी डूब गया। भगवान बोले लास्ट चांस, लास्ट एंड बेस्ट। फिर उन्होंने तीसरी शिला उठाई और फेंक दिया, फेंकने के बाद देखा वो भी डूब गए। भगवान बहुत हताश हुए लेकिन एक बात भगवान को संतोष हुआ, बोले किसी ने देखा नहीं। भगवान पीछे मुड़ के निकलने लगे, उतने में हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए, बोले भगवान मैं पहले पत्थर से यहीं पे हूं। राम जी विचार करे, बोले ये हनुमान जी जाके सारी वानर सेना में बता देंगे कि राम जी ने फेंका हुआ पत्थर तो पानी में डूबा नहीं, फिर कैसा होगा, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, मेरा क्या, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। अभी हम विचार करेंगे कि भगवान तो साक्षात परमात्मा का रूप, परमात्मा का ही रूप, परमात्मा ही है भगवान श्री राम, साक्षात परमात्मा है। फिर भी ऐसा भगवान को सारे विचार क्यों आते हैं, क्योंकि भगवान की ये लीला है, भगवान मनुष्य रूप में है, भगवान की लीला है। तो भगवान मनुष्य रूप क्यों लेते हैं, अभी आपने देखा प्रहलाद को दर्शन देने के लिए, हरण हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में अवतार लेते हैं। तो भगवान ने किसी माता के गर्भ से जन्म लिया क्या फिर ये नरसिंह रूप में, नहीं, भगवान को अवतार लेने के लिए कोई भी साधन की जरूरत नहीं है। भगवान सर्व संपन्न है, भगवान सर्वव्यापी है, भगवान को कोई साधन की जरूरत नहीं। फिर भगवान श्री कृष्ण श्री राम ऐसा जन्म क्यों लिए, भगवान ने राक्षसों का संहार करने के लिए लिए, नहीं, भगवान ने भक्तों को तारने के लिए मनुष्य रूप का धारण किया। यह संपूर्ण लीला इसलिए कि मनुष्य को मनुष्य जन्म में आकर के किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। इसलिए श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, उनके जैसा मर्यादामय जीवन जीने वाला पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम ऐसा कोई नहीं। और श्री कृष्ण जैसा बाल कृष्ण जिसको हम भगवान की इतनी लीला है, तो भगवान हमको मनुष्य जीवन में कैसा जीना है यह बताने के लिए इतनी सब लीला करते हैं। तो हनुमान जी महाराज ने जब देखा तो राम जी को शंका हुई, राम जी ने विचार किया कि ये वानर सेना में जाकर के सब कुछ बोलेंगे तो मेरा क्या रह जाएगा। तो हनुमान जी बोले भगवान जो हुआ वो अच्छा हुआ। बोले कैसे, हनुमान जी बोले महाराज आप जिसको पकड़ते हैं वो तर जाता है लेकिन आप जिसको फेंकते हैं वो डूब जाता है। भगवान ने पत्थर को शिला को समुद्र में फेंका इसलिए वो डूब गई, उसको अगर लेते जैसे श्री राम ये पत्थर के ऊपर शिला के ऊपर लिखा गया इसलिए वो तर गई। तो राम जी का समाधान हुआ, राम जी खुश हुए। फिर दोनों सभी जहां पे सेना थी वहां चले गए। तो हनुमान जी ने क्यों ऐसा किया, हनुमान जी भगवान के परम भक्त हैं लेकिन परम मित्र भी हैं, और एक मित्र जब दूसरा मित्र हताश होता है तो एक मित्र उसको संभाल। तो इसीलिए ऐसा होने के बाद में फिर वो सभी सेना के वहां आ गए। फिर मूड देख करके मौके पे चौका हनुमान जी ने मारा, हनुमान जी बोले महाराज, राम जी महाराज बोले एक बात सच्ची बताऊं, बोले ये जो हुआ ना ये सही था, क्यों, क्योंकि आपसे बड़ा आपका नाम है। श्री राम लिखने से पत्थर तर गया लेकिन श्री राम ने जब वो पत्थर फेंका तो नहीं तरा, इसलिए कली काल में इस घोर कलियुग में हमको तारने वाला कुछ है तो भगवान नाम है, भगवान संकीर्तन है, इसलिए नाम का जाप करना है, इसलिए नाम को लिखना है, नाम की इतनी महिमा है। तो इस प्रकार से भक्ति योग में बहुत शक्ति है, भक्ति की शक्ति को कौन नहीं जानता। मीरा ने बुलाया था भगवान चले आए, द्रौपदी ने बुलाया था भगवान चले आए, शबरी माँ ने बुलाया था भगवान चले आए, इतने बड़े बड़े हजारों वर्ष की तप करने वाले के पास भगवान नहीं गए, भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान को हम रिझाते हैं तो भगवान हमारे पास अवश्य आते हैं।
भगवान चराचर में है लेकिन व्यक्त रूप में, अव्यक्तम व्यापकम नित्यम गुणातीतम, ऐसा श्लोक है। लोग व्यक्त रूप में भगवान हमारे सामने आते हैं, हमको दर्शन देते हैं और हमको तार देते हैं। तो ये इससे हमारे जीवन का पर्पस सर्व हो जाता है। तो ये सब बातें हैं। अभी आप बोलेंगे ऐसा भक्ति क्यों करना है, हम थोड़ा थोड़ा भक्ति करते, थोड़ा बाकी काम करते, धंधा पानी करते, चलता है? नहीं। अभी ये साधा सा उदाहरण है, आप सब लोग क्रिकेट किस खेल को जानते हैं? क्रिकेट खेल में अगर उसको बैट्समैन को, किसी को, खिलाड़ी को फाइनल मैच में अगर अच्छा प्रदर्शन करना है तो वो क्या करता है? वो प्रैक्टिस करता है, 6-6 महीने, 1-1 साल, 5-5 साल वो प्रैक्टिस करता है। सचिन तेंदुलकर का उदाहरण लीजिए, उसको किसी ने पूछा था, बोले व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, उसने बोला बिफोर आई स्टार्ट माय डे आई फेस 1000 बॉल्स एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock इन द स्टेडियम, और फिर मैं दूसरा बोल। फिर उस रिपोर्टर ने पूछा कि अगर एक रात पहले आपने डबल सेंचुरी मारी हो, सेंचुरी मारी हो, तो फिर बोले इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर वॉज माई गेम, 0 or 100, 0 or 200, आई फर्स्ट फेस 1000 बॉल्स ऑन द पिच इन द मॉर्निंग एंड देन आई स्टार्ट माई डे, फिर मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कुछ रिजल्ट चाहिए तो आपको उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर अंत समय में भगवान का ध्यान होना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। आपने जिस चीज का प्रैक्टिस किया, आप प्रैक्टिस किस चीज कर रहे, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा ये, वो कुछ गलत नहीं है, लेकिन भगवत भाव से करना, ये इसमें भी भगवत भाव है। हमको कर्म करना है, संसार करना है, सभी करना है, लेकिन भगवत भाव से करना है। भगवत भाव से ये हम प्रैक्टिस करेंगे तो अंत समय में सिक्सर मार लेंगे, मौके में चौका लगेगा, नहीं तो अंत समय में जड़ भरत जी महाराज के जैसा हमको भी इस दुनियादारी का सीन हमारे आंखों के सामने आएगा और हमारा मरण बिगड़ जाएगा, फिर से हमको मरण जन्म के बंधन में बढ़ना पड़ेगा, दुख सुख भोगना पड़ेगा और अटक जाएंगे। मैंने आपको उदाहरण दिया था पानी का और कीचड़ जो बन रहा है, वैसे माया का प्रयोग। तो परम पूज्य डोंगरे जी महाराज एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, महान भागवत कथाकार है, भक्त थे, लेकिन भगवत भागवत के बहुत बड़े ज्ञानवान पुरुष थे। वो कहते थे कि अग्नि हमारे लिए बहुत उपयोगी है, अग्नि से खाना बनता है, अग्नि से पानी गर्म होता है, तो अग्नि का बहुत उपयोग है। अगर हमको अग्नि पसंद आए तो क्या हम अग्नि में हाथ डालते हैं? क्या होएगा? हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा। अग्नि के ऊपर कोई भांडा है, उसको अगर हम वो गर्म हो गया तो उसको हम हाथ लगाएंगे कि भाई ये तो बहुत उपयोग की, इसको पकड़ लो, छोड़ो मत, तो क्या हो जाएगा? हाथ जल जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं? संडासी का प्रयोग करते हैं, कपड़े का प्रयोग करते हैं। तो ये संडासी क्या है, कपड़ा क्या है? ये विवेक है। विवेक क्या है? कि मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, ये सब कुछ भगवान का है और भगवत भाव से हम सब कार्य करते हैं। माया की जरूरत है, खाना तो पड़ेगा शरीर है तो, नहाना तो पड़ेगा शरीर है तो, कपड़ा पहनना तो पड़ेगा शरीर है तो, घर संसार चलाना है तो धंधा पानी करना पड़ेगा शरीर है, सब करना पड़ेगा, लेकिन मैं भगवान का दास हूं, इस विवेक से हमको काम करना है। विवेकहीन कार्य अगर हम करेंगे तो हमारी दुर्गति होगी। विवेक सहित हम जब कार्य करेंगे, मैं भगवान भाव से हम काम करेंगे तो हमारा वो कर्म काउंट ही नहीं होता है, वो कर्म निस्वार्थ कर्म होता है। और इसीलिए ये जो भी कर रहा हूं भगवान तेरे अर्पण, भगवान ने कर्मयोगी कर्मयोग अध्यायों में कहा है, जब भगवान ने कर्मयोग की सीख दी तो भगवान ने बोला है कि सारे कर्म भगवान तुझमें अर्पण, सारे कर्म जब कोई ज्ञानी पुरुष मुझमें अर्पण करता है तो वो कोई भी कर्म से लिप्त नहीं होता, अलिप्त रहता है, और कोई भी कर्म जब बंधता नहीं है तो वो मुक्त हो जाता है, परम आनंद को प्राप्त होता है, परमात्मा से उसका एक ही भाव हो जाता है और जीवन का पर्पज उद्देश्य हो सफल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है, तो ये कैसा फिक्स करिए कि भगवत प्राप्ति हमारा गोल है। मैं भजन करूंगा तो भी भगवत प्राप्ति होगी, मैं कुछ सीख रहा हूं उससे भी भगवत प्राप्ति। कैसे? लोग पूछे व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, मतलब आपको आपके जीवन में क्या बनना है। भैया सवाल ही गलत है, आप ये पूछिए कि आपको जीवन में क्या करना है। जैसे हम MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे जीवन में उद्देश्य कभी ये होना ही नहीं चाहिए कि मुझको डॉक्टर बनना है, मुझको सेवा करनी है लोगों की। क्यों? क्योंकि जीवन को बचाने में अगर हम निमित्त बनते हैं किसी के तो उससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। भूखे को खाना खिलाओ, सही बात है, जो नंगा है उसको कपड़े दो, जो घर नहीं है उसको घर दो, लेकिन किसी का जीवन बचाने में हम निमित्त बने, एक डॉक्टर बनके, वैद्य बनके, चिकित्सक बनके, तो उससे बड़ा कोई निस्वार्थ कर्मयोग नहीं है। इसीलिए वो सेवा करने के लिए मुझको डॉक्टर बनना है, तो मेरा एम क्या है, गोल क्या है, सेवा, निस्वार्थ सेवा करके भगवत प्राप्ति होगी। उसके लिए माध्यम एक डॉक्टर बनने की आवश्यकता है, ऐसा हमने भाव रखना चाहिए। तो भजन करके भी भगवत प्राप्ति, ये कुछ कार्य करने के लिए कुछ बन के भी हमारी भगवत प्राप्ति, और बाकी सब हमारा निस्वार्थ कर्म योग हो तो भगवत प्राप्ति होगी, हमारा कर्म नहीं बंधेगा। हमारे इस प्रकार से हमारे काम अनेक हो सकते हैं लेकिन हमारा गोल एक है और वो परमात्मा है। परमात्मा चतुर्भुज रूप श्री नारायण भगवान है, उनके चरण कमलों में हमको विलीन होना है और जीवन को सफल बनाना है।
इस प्रकार से ये श्रीमद् गीता जी का संपूर्ण सार है। इसके जो सारे डिटेल है वो अन्य अन्य भिन्न भिन्न वीडियो में हम आपको बताते रहेंगे। और लो भगवान ने एक आखिरी बात बोलना चाहूंगा, भगवान ने वे जो दैवी संपदा माने जो सात्विक सत्भाव के जो लोग हैं या जो मनुष्य हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, उनका उन्होंने एक बहुत सुंदर एक उन्होंने वर्णन किया है कि वो किसी का बुरा नहीं लगाते हैं, उनको सुख दुख से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई उनके ऊपर थूके, कोई उनको गाली देवे, कोई उनके ऊपर कुछ भी करे, उनको फर्क नहीं पड़ता है। आप बोलेंगे मैं बेवकूफ थोड़ी हूं, आप क्रोध किए आपका कर्म हो गया, आप उस जीव के उस व्यक्ति के दास हुए क्योंकि उसने आपके ऊपर गुस्सा किया इसलिए आपने भी गुस्सा किया। अभी ऐसा ही तो चल रहा है ना, लोग खाली देखा देख कर दे, इसने मोदी जैकेट पहना तो सब मोदी जैकेट पहने, इसने पिज्जा खाया सब लोग पिज्जा खाए, कोई ऐसा नहीं बोलता ये भगवान की भक्ति करता है मैं भी इसके पीछे भक्ति करूं। क्यों? क्योंकि ये अज्ञान की दशा, ये ज्ञान की दशा है, लेकिन जो सारा बाजार है वो अज्ञान की दशा है। अज्ञान में मनुष्य जल्दी लिप्त होता है, मन सुधरने नहीं देता है। ज्ञान के रास्ते पे, भक्ति के रास्ते पे मन बहुत बाधा लाता है, उसको पकड़ना है बुद्धि से, विवेक से, और विवेक केवल सत्संग से होता है, ये हमने बात की थी। इसीलिए सज्जन पुरुष बनिए, सत्व पुरुष बनिए, सत्य के साथ रहिए, ज्ञानी पुरुष बनिए, भगवान को परम तत्व से जानिए, श्रीमद् भगवद गीता का पारायण करिए, समझिए, जीवन में उतारिए और जीवन को सफल बनाइए। दंड नीति को अपने हाथ में मत लो, उसका कर्म वो रिस्पॉन्सिबल है, उसका कर्म का फल वो भोगेगा, और उसको क्षमा कर दो, आपकी तरफ से क्षमा कर दो और मुक्त हो जाओ। ऐसा गीता जी का सार लेकर के इस गीता जयंती की पुनश्च आपको बहुत बहुत बधाई, शुभेच्छा और प्रणाम। जय श्री नारायण।